देखेंगे इसमें कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, इसका हम लोग ना नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये तीनों चीज़ देखेंगे। और इस टेंस का पेसिव वॉइस तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग पेसिव वॉइस के अंदर में, ठीक है, क्योंकि ये यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग बस अपर में ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तब करेंगे, उसके बाद इसको यहीं पर क्लोज करेंगे और साथ में ही हम लोग का प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस में जंप करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट हैज तो लगाते हैं, उसके साथ में हम लोग एक चीज़ और ऐड करते हैं नॉट, और नॉट कहाँ लगाते हैं हैज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, और जो बीन है इससे हम लोग पहले लगा, मतलब इसके बीच में लगाते हैं, ठीक है, नॉट को। उसके बाद वर्ब के चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर लगाएंगे, फिर लास्ट में जो टाइम रहता है वो लगाते हैं, एक एक बनाते हैं हम लोग उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग पास में एक एग्जाम्पल में है ये वाला, देखिए पहला नंबर में, कि वे लोग महीनों से उसे अंग्रेजी सिखा रहे हैं या सिखाते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, ये अच्छा लगता है, ठीक है, कि वे लोग महीनों से उसे अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं, ऐसे सही नहीं है, वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं, ये सही वर्ड है, ठीक है। तो वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं। सब्जेक्ट वे लोग, दैट मीन्स दे, और साथ में लगेगा हैव, दे हैव, उसके बाद नॉट, गलत कर दिए क्या, वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी नहीं, सॉरी नेगेटिव है ना, तो नहीं लगाइए, नहीं सिखाते आ रहे हैं, पहले ही हम लोग गलत करने जा रहे थे, कि वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी नहीं सिखाते आ रहे हैं, नेगेटिव है तो लिखेंगे दे हैव, उसके बाद नॉट, दे हैव नॉट, उसके बाद बीन, दे हैव नॉट बीन, उसके बाद सिखाना का लर्न होता है तो लर्निंग, अच्छा सिखाते आ रहे हैं तो टीचिंग होगा, है ना, टीचिंग, दे हैव नॉट बीन टीचिंग हिम, उसे सिंस महीनों से, तो क्या लगाएंगे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस मंथ्स महीनों से, दे हैव नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस मंथ, है ना, और अंग्रेजी तो छूट ही गया, दे हैव नॉट बीन टीचिंग हिम इंग्लिश इंग्लिश सिंस मंथ्स, ऐसे ना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर को क्लियर करते हैं। सीता 4 घंटों से, सीता 4 घंटा नहीं लिख के इसको हम लोग लिख देते हैं 2 घंटों से, है ना, 2 घंटों से खाना नहीं पकाते पकाते, है ना, खाना नहीं पकाते आ रही है, बोल रहा है क्या, सीता जो सीता है 2 घंटों से खाना नहीं पकाते आ रही है, लिखेंगे सीता हैज नॉट बीन, खाना पकाना का कुकिंग, कुकिंग फूड सिंस, सिंस होगा कि 4 होगा, पॉइंट ऑफ टाइम 2 घंटों से, टाइम दिया हुआ ना 2 घंटा, तो लिखो 4 2 आवर्स, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया नेगेटिव, ठीक है, काफी है समझने के लिए दो नेगेटिव, कि वे लोग उसे अंग्रेजी महीनों से नहीं सिखाते आ रहे हैं, वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी नहीं सिखाते आ रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मंथ, या सीता 2 घंटों से खाना नहीं पकाते आ रही है, तो सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड 4 2 आवर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। आई होप कि आप अभी तक क्या समझ गए हैं कि नेगेटिव को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इनटू द इंग्लिश, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे इसको हम करेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, इसमें बस छोटा सा मॉडिफिकेशन करके इसी सेंटेंस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में बनाने जा रहे हैं। साथ में इसका अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर में हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है,
हैव और हैज को आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है? आपको इसको याद रखना है। हैव हैज को आगे करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिन लिखते हैं, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ये लगाएंगे तो हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आप क्या लगा दीजिए, ठीक है? क्या वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सेकेंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्या सीता 2 घंटों से खाना पकाते आ रही है, खाना पकाते आ रही है, और यह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे लोग हैं, तो दे लिखेंगे, तो दे के साथ हैव लगता है इसलिए कैपिटल लेटर में लिख दिए हैव। तो हैव दे, उसके बाद बीन, हैव दे बीन, उसके बाद भर का चौथा पम्प कुकिंग, खाना पकाना क्या होता है, कुकिंग, कुकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए उसे, कुकिंग नहीं होगा, क्या क्या लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी है ना, सिखा रहे हैं, तो अगर हैव दे बीन टीचिंग, सिखाना क्या होता है, पढ़ाना सिखाना का, टीचिंग हिम उसे इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी इंग्लिश, कितने वो उसे महीनों से सिखा रहे हैं, तो लिखेंगे सिंस मंथ्स। तो ये हम लोग का हो गया, साथ में इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह इसको बनाते हैं, क्या सीता 2 घंटों से खाना पकाते आ रही है, इसको आप बनाइए। तो सीता है नाम है, लड़की का नाम है, तो हम लोग हैज यूज करेंगे, तो है सीता बीन, अच्छा यहाँ हम लोग कुकिंग यूज करेंगे ना, वहाँ यूज करते रहते हैं, कुकिंग फूड फॉर, अच्छा बताइए कितने घंटों से, 2 घंटों से, है ना, तो 2 hours। तो ये हो गया हम लोग का पूरा, क्या चीज़ हो गया, ये हम लोग का हो गया एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब बस इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना होगा, सिर्फ आपको नोट लगाना होगा, वो सीखना है, ठीक है? तो नोट लगाते कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाते हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस, ये सारा चीज़ रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ इंट्रोगेटिव साइन लगा देना है आपको, ठीक है? तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, क्या वे लोग उसे महीनों से अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी है ना नहीं सिखाते आ रहे हैं, और इसी तरह यहाँ कर देंगे, क्या सीता 2 घंटों से खाना नहीं पकाते आ रही है, ये हो गया, और हम लोग नोट लगा देंगे, ठीक है? लग रहा है वोल्टेज बढ़ेगा, तो बनाते हैं हम लोग, नोट लगाते हैं, हैव दे नॉट बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मंथ, है ना, यहाँ भी नोट लगाइए, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। तो ये हम लोग का हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो, सारा चीज़ कर लिए। इसका पैसिव वॉइस होता नहीं है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इसको नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो पास्ट टेंस के बारे में